एम्बेसडर साहब, ये फरमाइएगा कि मसूद अजहर के इस मामले पर आलमी दहशतगर्द तो करार दे दिया गया, भारत कहता है कि जी हमारी एक असूली मौकफ की फतह हो गई, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि चाइना ने और पाकिस्तान ने ये मुशावरत से फैसला किया है, क्योंकि जिन चीज़ों पर हमारी रिजर्वेशंस रही थी वो उस समरी के अंदर मौजूद नहीं है। एजेंसीज का जिक्र, अफवाज का जिक्र, इदारों का जिक्र, पुलवामा का जिक्र, कश्मीर का जिक्र, ये तमाम वहाँ पर मेंशन ही नहीं हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? जी, मैं समझता हूँ इसमें यकीनन पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र था उसको मान लिया गया है। हमें मसूद अज़हर के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वो एक नॉन स्टेट एक्टर हैं और यही आमतौर पर तस्वुर है कि वो इस क़दम की दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। हमारा एतराज़ इस बात पे था कि उनकी जो कार्रवाई है एक नॉन स्टेट एक्टर की है, उसको पाकिस्तान के इदारों से या पाकिस्तान की हुकूमत से लिंक करना जो है एक नाइंसाफी है और हम इसको कबूल नहीं कर सकते थे। और ना ही वो कश्मीर के सिलसिले में उनके खिलाफ ऐसी शहादत थी कि उसको कश्मीर कॉज से लिंक किया जाए। तो ये चीज़ जो थी, जब उसमें हमारे ये नुक्ते नज़र को मान लिया गया तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं कि मसूद अज़हर को उस लिस्ट में डाल दिया जाए, बल्कि मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी है। मेरा अपना नज़रिया तो यह है कि इन लोगों ने, मसूद अज़हर ने और अपने दूसरे लोगों ने, हाफिज़ सईद ने, हिंदुस्तान को एक मौका फराहम किया हुआ था कि वो कश्मीर कॉज को बदनाम करे, पाकिस्तान को बदनाम करे, ये कह के कि कश्मीर में जो एक बिल्कुल वाजे एक अवामी जद्दोजहद हो रही है उसको, उससे अब तवज्जो हटा के ये कहा जाए ये सारी कार्रवाई बैनुल अक्वामी दहशतगर्दी है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या पाकिस्तान का इसमें मुलव्वस है। गोया के असल इशू से चश्मपोशी करके मामले को दूसरी तरफ, एक रेड हेरिंग जिसको कहते हैं, लगा के दूसरी तरफ कर दिया जाए। तो मैं आज के फैसले के बाद, मेरे ख्याल में ये डीलिंग होने के बाद इसमें पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा और मसूद अज़हर जो हैं उनके बारे में जो कोई भी इंटरनेशनल ओपिनियन है वो पाकिस्तान को यकीनन काबिल कबूल होगी।